बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सिद्रा शाहिद। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोसिन टीचिंग जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन जीएसटी पीएसटी एचएसटी 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अभी प्राइमरी क्लासेस में हैं, और उनके साथ साथ उनकी मदर्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे प्राइमरी क्लासेस में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आइंदा आने वाली मेरी तमाम वीडियोस पहले मिल जाएं। और स्टूडेंट्स, कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको करने हो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपको आंसर उसका दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है HCF। स्टूडेंट्स, HCF क्या होता है? H फॉर हाइएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 12 एंड 18, कि 12 और 18 का HCF क्या होगा? आपको इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए होंगे 6, 8, 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 12 एंड 18। इसको मालूम करने का तरीका क्या होगा? हमें LCM निकालना होगा। LCM आप लोगों को निकालना आता होगा, नहीं भी आता तो आप लोग देख लीजिए किस तरीके से निकाला जाता है। 12 को छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 कौन सा मल्टीपल हो सकता है जो 12 के टेबल में आए, सॉरी 2 के टेबल में आए, 12 तक 2, 6 12 होगा। ठीक है, अब 6 कौन से छोटे टेबल में आता है? 2 का ही टेबल है, 2, 3 जा 6 होता है। अब देखेंगे कि 3 किस छोटे से छोटे टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में आता है, 3 1 3। ठीक है, ये तो 12 हो गया सॉल्व। अब इसी तरह से हम 18 को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे छोटे से छोटा नंबर, छोटे से छोटा टेबल जिसमें 18 आता हो तो वो 2 का है, 2 9 18। अब देखेंगे छोटे से छोटा नंबर, छोटे से छोटा टेबल जिसमें 9 आता हो वो 3 का है, 3 3 9, छोटा टेबल 3 का ही होगा, 3 1 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का पहले देखते हैं, इसके जितने भी यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके नीचे 18 का देखेंगे लिख के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनमें से देखें कॉमन कौन कौन सा है। ये 2 कॉमन है दोनों में और ये 3 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 3 6, जो कि हमारा ए पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। टू फोर ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 के टेबल से ही ये होगा 32 भी, 2 के टेबल में 32 आता है किस तरीके से, 2 1 ज़ा 2 होगा, इसके पास कितने होगा, ये 2 हो गया, 1 इसने इसको दे दिया, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। एटीन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखें 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से हम देखेंगे कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये 2 एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, और ये तीसरा, हमें पेयरिंग करनी होती है बेसिकली HCF में, हमें पेयरिंग करनी होती है सेम नंबर्स की ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, दैट इज़ आर HCF। ठीक है स्टूडेंट, नंबर थर्ड देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 27 है, 27 किस टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमें ये पता करना है कि ये 45 किस तरीके से हो जाएगा, किस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था 24680 देखेंगे, अगर लास्ट में हमारे आ रहा है 24680
तो 2 से हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में नहीं आ रहा और लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये किससे हो सकता है, ये 5 से भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास 5 से पहले यहाँ पर 4 है, तो ये 3 में भी हो जाएगा। स्टूडेंट मैं वो वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। 3 1s are 3, 1 इसको दे दिया, 3 5s are 15, अगेन 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5, हमारे पास 27 is equal to, इसके सारे मल्टीपल्स देख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, स्टूडेंट से इसके भी सारे लिख लेंगे इसी तरीके से, 45 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनमें से देख लेंगे कौन कौन से कॉमन है, इनमें सेम कौन से हैं, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। HCF इज़ इक्वल टू 3 3 3 3 is 9।